हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन एफिलिएट सेंटर पे। आज के क्लास में हम क्षेत्रमिति का नेक्स्ट पार्ट आयत के बारे में जानेंगे। इससे पहले के क्लास में आप वर्ग के बारे में देखे थे, समझे थे, और आज के क्लास में हम आयत अर्थात रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। तो आयत कहते किसे है, पहला सवाल ये उठता है कि आयत कहते किसे है। आयत अर्थात रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर तथा समांतर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर तथा समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। एक बार फिर से, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने जैसे ए बी के सामने की भुजा सी डी और ए डी की सामने की भुजा बी सी आपस में समांतर तथा बराबर हो, अर्थात ए बी इक्वल टू एंड समांतर, ए बी इक्वल टू एंड समांतर सी डी एंड ए डी इक्वल टू समांतर बी सी। यहाँ क्या है, ए बी और सी डी आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, और ए डी तथा बी सी, ए डी तथा बी सी आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कहने का तात्पर्य है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। आगे, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का तात्पर्य है AC बराबर BD एंड AO बराबर OC तथा BO बराबर OD। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए, जैसे वर्ग के विकर्ण में आपने देखा होगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कौन से कोई, ये कौन जो है समकोण, यहाँ ऐसा नहीं समकोण ही होगा, ऐसा कोई जरूरी। अब आयत से रिलेटेड उन फॉर्मूले को देखते हैं जिसकी सहायता से हम क्षेत्रमिति के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ पार्ट आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल था, और ऐसे भी प्रत्येक का, आयत का हो चाहे वर्ग का हो या त्रिभुज का हो, ज्योमेट्री के क्लास में आपको डिटेल्स उसके बारे में हम बताएंगे। अभी क्षेत्रमिति के क्लास में जो थोड़ा बहुत जानकारी हमें चाहिए आयत से रिलेटेड, वो जानकारी हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, एक हो गया इसका लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। अब ये लंबाई है तो ये भी बराबर, इसे भी आप लंबाई कह सकते हो और इसको चौड़ाई, लेंथ। चलिए, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना, और आयत का परिमाप बराबर क्या, परी अर्थात चारों तरफ माप, मतलब मापना। आयत के चारों भुजा के माप को ही हम परिमाप कहते हैं। तो चारों भुजा का माप का तात्पर्य ए से लेके बी तक, ए बी का तात्पर्य क्या, एल हुआ, बी से लेके सी तक अर्थात डी हुआ, सी से लेके डी तक अर्थात पुनः एल हुआ, और डी से लेके ए तक पुनः बी हुआ। इन चारों भुजाओं के माप को ही हम परिमाप कहते। अब देखिए, L प्लस L अर्थात 2L और B प्लस B अर्थात 2B, टू दोनों जगह है, हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस
टू इंटू एल प्लस। ये जो है आपका आज के क्लास में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात फॉर्मूला आयत से रिलेटेड बता रहे हैं कि आयत से रिलेटेड किन फॉर्मूले की आवश्यकता हमें होगी, जिनकी सहायता से हमें सवाल सॉल्व करना। अब आयत का विकर्ण अर्थात डायगोनल, विकर्ण की लंबाई चाहे एसी हो या बीडी हो। अब जैसे आयत के विकर्ण एसी बराबर, एसी अर्थात ये क्या है आयत का विकर्ण डायगोनल इक्वल, देखिए एसी हमें चाहिए ये क्या आयत का विकर्ण। और अगर इस त्रिभुज में है आय एसीडी में या एडीसी में कहें तो ये कौन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एसी मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर हम क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम क्या लिख दें, कर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगी, आयत के विकर्ण की लंबाई। फिर आयत से रिलेटेड आगे सवाल देखिए, फॉर्मूले को देखिए। अगर आयत के अंदर कोई बिंदु ओ हो, आयताकार क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु ओ हो, आयताकार क्षेत्र के अंदर अगर कोई बिंदु रहे और उस बिंदु से उनके जस्ट सेकेंड होगी, चलिए देखते हैं। अब देखिए ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी और डी एक आयत है, इसके बीच में कहीं भी किसी भी जगह पे एक बिंदु ओ, हम ए को ओ से मिला देते हैं, बी को ओ से मिला देते हैं, सी को ओ से मिला देते हैं, डी को ओ से मिला देते हैं। देखिए ये ओ जो है इसका मध्य बिंदु नहीं है, किसी भी चाहे ओ इस जगह पे हो या इस जगह पे हो, इस जगह पे हो या कहीं भी हो, बीच में एक बिंदु अगर कहीं ओ हो तो याद रखना ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू डी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर होता। अगर आयताकार क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु ओ रहे तो वहां से जो है त्रियक दूरी आपस में बराबर होगी। चलिए योगफल के बराबर की कहने का तात्पर्य है कि ए ओ स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस ओ डी स्क्वायर, प्लस ओ डी स्क्वायर। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला हुआ है, देखिए जैसे आप अगर सवाल बनाते होंगे तो देखे होंगे एक आयताकार मैदान के चारों तरफ या मैदान में चारों तरफ एक सड़क बना हुआ रहता है और हमें उस सड़क का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं एक आयताकार मैदान है, इस मैदान की लंबाई एल मीटर है तथा चौड़ाई बी मीटर है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई एल मीटर तथा चौड़ाई बी मीटर है के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। देखिए सवाल में आपको दो वर्ड का इस्तेमाल करेगा, आयताकार मैदान के चारों तरफ या आयताकार मैदान में चारों तरफ, तो हमें यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है। क्या कन्फ्यूज नहीं करना है, अगर आयताकार मैदान के चारों तरफ कहा जाए तो वह मैदान के बाहर की बात कर रहा है, अगर आयताकार मैदान में चारों तरफ कहा जाए वह मैदान के अंदर की बात कर रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है कि आयताकार मैदान के चारों तरफ, तो ये आयताकार मैदान जो है इस मैदान का नाम हम रखते हैं पी क्यू आर एस। आयताकार मैदान के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क बनी है, ए मीटर चौड़ी सड़क बनी है, ए मीटर चौड़ी का इधर भी ए इसकी चौड़ाई है, यहाँ भी इसकी चौड़ाई ए मीटर है, यहाँ भी इसकी चौड़ाई ए मीटर है और यहाँ भी इसकी चौड़ाई ए मीटर है, और बड़े वाले मैदान का नाम हम रख लिए ए बी सी। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो सवाल क्या था, एक आयताकार मैदान के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, तो बताएं कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, ए मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ से लेकर हम इस आयताकार मैदान में तो लंबाई इसका एल है, इधर भी ए है और इस तरफ भी ए है, बराबर के दोनों तरफ जो है ए मीटर चौड़ी सड़क है। तो हम बिंदु ए से लेके बी तक आए तो देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एल हो जाएगा, इधर भी ए बढ़ेगा और इधर भी ए बढ़ेगा, एल प्लस ए प्लस ए, अर्थात इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, एल प्लस टू ए। और जब हम चौड़ाई में आए तो यहाँ से देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक आपका बी होगा, ये चौड़ाई, इधर भी ए बढ़ेगा और इस तरफ भी ए बढ़ेगा, बी प्लस ए प्लस ए बराबर इसकी बड़े वाले मैदान की चौड़ाई बी प्लस टू ए हो जाएगा। तो बड़े वाले मैदान की चौड़ाई क्या हो जाएगा, बी प्लस टू ए। तो हमें क्या निकालना है, सड़क, सड़क कौन सा, ये जो सड़क है, ये जो सड़क है इस सड़क का हमें क्षेत्रफल चाहिए। हम कलर कर लेते हैं इस मैदान का, सड़क सॉरी मैदान के चारों तरफ सड़क का क्षेत्रफल क्या चाहिए हमें, मैदान के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा वाला ए बी सी डी, बड़े वाले आयताकार मैदान में से छोटे वाले आयताकार मैदान पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो हम लिख सकते हैं सड़क का क्षेत्रफल बराबर किसका, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आपका क्या है एल प्लस टू ए और चौड़ाई आपका क्या है बी प्लस टू ए, में से आयताकार मैदान के क्षेत्रफल एल इंटू बी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोनों के क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे, एल गुना बी करेंगे, पहले एल गुना बी आपका क्या हो गया एल बी, फिर एल से टू ए में गुना करेंगे टू ए एल, फिर टू ए गुना बी टू ए बी प्लस टू ए प्लस टू ए, तो दोनों चार ए स्क्वायर माइनस एल बी। देखिए यहाँ प्लस एल बी है और इस तरफ माइनस एल बी है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, देखिए टू ए यहाँ भी है, टू ए यहाँ भी है और टू ए इसमें से भी, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2a l प्लस b प्लस 2a। तो कह सकते हैं सड़क का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बने, एक आयताकार मैदान के चारों तरफ बने सड़क का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला निकल के आया 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा, अगर आप याद कर सकते हैं, मैंने क्रिएट करके निकाल के भी तैयार करके भी दिखा दिया, कि अगर कभी बाय द वे आप फॉर्मूला भूल जाएं तो फॉर्मूला निकाल के इसे रिपीट करके याद रख लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में जाके लॉन्ग प्रोसेस से सवाल बनाने की आपको आवश्यकता ना हो, बस एक फॉर्मूला के सहायता से आयताकार मैदान के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल आप निकाल सकते। अब देखिए इसी में दूसरा पार्ट क्या होता है, वहाँ जो रहेगा आपके सवाल में, वहाँ रहेगा एक आयताकार मैदान में, अभी हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे के का, अब एक नया वर्ड आएगा में, एक आयताकार मैदान में ए मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, तो बताएं कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताएं कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका जो सवाल है आयताकार मैदान में, तो सबसे पहले एक आयताकार आप मैदान बनाइए। अब देखिए आयताकार मैदान है ए बी सी डी, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई एल तथा चौड़ाई डी है। इस मैदान में का तात्पर्य हम अभी बताए थे,
कि मे जब कहा जाए इसका मतलब मैदान के अंदर है, और के जब कहा जाए तो मैदान के बाहर। तो दो वर्ड का इस्तेमाल आपको सवाल करेगा, एक के और दूसरा मे। तो यहाँ सवाल क्या कर रहा, आयताकार मैदान में ए मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, अर्थात खेल के मैदान के अंदर। तो खेल के मैदान के अंदर है तो एक ए मीटर चौड़ी हमें सड़क बनानी है, तैयार करनी है। ये देखिए ए हो गया, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, अर्थात चारों तरफ जो सड़क की चौड़ाई है वह आपस में इक्वल है। चारों तरफ जो सड़क की चौड़ाई दी गई है वह चारों तरफ सड़क आपस में इक्वल चौड़ी है, चारों तरफ सड़क की चौड़ाई बराबर है। तो उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, उस सड़क का क्षेत्रफल। तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल कैसे तैयार करना है, इस सड़क का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इस सड़क का क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, अब सबसे पहले, अब जैसे ही सड़क बना एक नया आयताकार मैदान तैयार हुआ होगा, उस मैदान का नाम हम क्या रख लिए, PQRS। अब इस मैदान में क्या हुआ होगा, देख लीजिए सड़क के अंदर, सड़क क्या है, खेल के मैदान के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक L था, इसमें से ए मीटर चौड़ाई इधर का भी और ए मीटर चौड़ाई इधर का भी, दो बार ए घट गया अर्थात L माइनस 2A, और चौड़ाई में भी देखिए पूरा का पूरा बी चौड़ाई यहाँ से था, इधर भी ए घट गया और इधर भी ए मीटर चौड़ा घट गया, अर्थात चौड़ाई बी माइनस ए माइनस ए, अर्थात बी माइनस 2A, बी माइनस कितना हो गया 2A। एक नया मैदान जो बना उसकी लंबाई में 2A की कमी हुई तथा चौड़ाई में भी 2A की कमी हुई। तो सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल एरिया, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर देखिए आयताकार मैदान ए बी सी डी का क्षेत्रफल में से आयताकार मैदान पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटा लेते हैं हम, कैसे घटाएंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, बड़े वाले मैदान का क्षेत्रफल ये लंबाई ये चौड़ाई एल इंटू बी, माइनस छोटे वाले मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल माइनस 2A इंटू बी माइनस 2A। देखिए इसकी लंबाई अब घट के एल माइनस 2A रह गई है और चौड़ाई घट के बी माइनस 2A रह गई है। इसी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, L इंटू बी एल बी माइनस एल गुना बी एल बी माइनस 2AL माइनस 2AB माइनस माइनस प्लस 4A स्क्वायर। अब इसे लिखते हैं एल बी माइनस एल बी माइनस माइनस प्लस 2AL माइनस माइनस प्लस 2AB प्लस माइनस माइनस 4A स्क्वायर 4A स्क्वायर। अब देखिए माइनस एल बी प्लस एल बी आपस में कैंसिल हो गए और बचा मेरे पास क्या 2AL 2AB माइनस 4A स्क्वायर। यहाँ से 2A प्रत्येक में है, हम कॉमन ले लिए इसमें भी है, तो 2A जैसे कॉमन लिए तो मेरे पास क्या बचा L प्लस बी माइनस 2A L प्लस बी माइनस 2A। तो नया जो सड़क बना उस सड़क का क्षेत्रफल क्या हो गया 2A 2A इंटू एल प्लस बी माइनस 2A। देखिए दोनों सड़क के क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या था, बड़ा वाला जो पहले वाला आयताकार खेत जो था या आयताकार मैदान के चारों तरफ था वहाँ प्लस का चिन्ह था और अंदर में है तो माइनस का चिन्ह है। तो याद रखने के लिए याद रखिए जब भी बाहर की तरफ हम लेंगे लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा और अंदर में आएंगे तो खेत का क्षेत्रफल घटेगा या मैदान का क्षेत्रफल घटेगा। तो बढ़ने वाले के लिए प्लस में और घटने वाले के लिए माइनस में, बाकी वैल्यू तो इक्वल ही है। 2A पहले भी था अभी भी है, L प्लस बी पहले भी था अभी भी है, बस यहाँ प्लस माइनस का अंतर है। तो चलिए एक और नए टाइप को हम देखते हैं। अब आपका सवाल रहेगा एक आयताकार मैदान के
एक आयताकार मैदान के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ए मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल। एक आयताकार मैदान के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, देखिए सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। एक आयताकार मैदान ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयताकार मैदान है जिसके बीचों बीच ए मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई, जिनके बीचों बीच क्या है ए मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क इधर बनी हुई है जिसकी चौड़ाई ए मीटर है और एक सड़क इधर बनी हुई है जिसकी चौड़ाई भी क्या है, तो इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए सड़क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, समकोण मतलब क्या एकदम आमने सामने से गुजर रही है, जैसे चौराहा हम देखते हैं चौराहा की इधर भी सड़क है इधर भी, देखिए ये सड़क आपका ये लंबाई में सड़क हो गया और ये सड़क आपका चौड़ा, हमें इस सड़क का चाहिए। देखिए जब ये एल मीटर है और ये बी मीटर चौड़ा है, ये एल है तो ये भुजा की लंबाई भी एल होगी, ये बी है तो इस भुजा की लंबाई भी बी होगी। अब देखिए ए मीटर चौड़ा है तो इसकी चौड़ाई ए यहाँ भी होगा और ये ए मीटर चौड़ा है यहाँ भी ए होगा। तो ये जो नया सड़क बना उसका नामांकन हम पहले कर लें, नामांकन करते हैं इसका के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो आयताकार मैदान के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान के चारों तरफ ए मीटर चौड़ी सड़क का आयताकार मैदान में एक दूसरे को आयताकार मैदान में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एरिया किसका, ओ पी क्यू आर अर्थात ये वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर लिखिए और इसमें एरिया जो है किसका हो जाएगा, देखिए के एल एम एन प्लस क्या एरिया के एल एम एन। अब इधर से हम जब सड़क लेके चले थे इस पूरे वाला भाग हो गया था और इधर से चले तो ये वाला भाग हो गया, तो बीच का जो ये सड़क है बीच का जो ये पॉइंट है ये दो बार आ गया सड़क, कैसे आ गया, मान लीजिए हम सड़क का रिपेयरिंग करते हुए इस सोलिंग करते हुए चले इधर से सोलिंग करते 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 जाएंगे ये वाला भाग सोलिंग हो गया, लेकिन जब पुनः इस तरफ से सोलिंग करते हुए हम आएंगे यहाँ तक करने के बाद ये वाला भाग जो है बीच का भाग ये भाग ऑलरेडी पहले से सोलिंग हो चुका है इनके साथ, तो ये दोबारा सोलिंग हो जाएगा, तो वहाँ हमें दोबारा करना नहीं है, अर्थात इस भाग की काउंटिंग दो बार हो रहा है। इस भाग का हम एक नामांकन कर देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड भाग जो है एरिया जो है ये वर्गाकार होगा क्योंकि इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी इधर से भी ए और इधर से भी ए, ये वर्गाकार भाग जो है दो बार आ रहा है, एक बार इस भाग को हमको हटा लेना अर्थात हटा लेना है, माइनस एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये वाले बीच वाले भाग को हमें जो दोबारा आ रहा था उस वाले भाग को इस वाले भाग में से पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे घटा लेंगे। तो पहले हम निकालते एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया किसका चाहिए हमको पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। अब इसमें देखिए इसका क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई आपका बी लिखना होगा और ये देखिए चौड़ाई जो था यहाँ लंबाई में कौन आएगा और ये चौड़ाई जो है इसका अब क्या हो जाएगा ए, बी इंटू ए, क्योंकि ये चौड़ाई बी हो गया और ये लंबाई आपका ये बी और ये ए हो गया, प्लस अब इस वाले भाग में आएंगे आपका एल मीटर लंबाई था वो लंबाई एल रहेगा और चौड़ाई क्या हो जाएगा ए, एल ए माइनस ये कैसा है वर्गाकार है इसका ए मीटर लंबाई भी ए मीटर चौड़ाई भी, तो जब वर्गाकार है इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर,
देखिए तीनों जगह ए का प्रयोग किया गया है, हम ए कॉमन ले लेते हैं, पहले एल को लिख लेते हैं, एल प्लस बी माइनस, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़क का क्षेत्रफल, ये क्या निकल गया हमें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़क का क्षेत्रफल ए इंटू एल प्लस बी माइनस। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आयत का रिलेटेड था, आयताकार क्षेत्र से रिलेटेड था, उस फॉर्मूले को हमने देखा। अब इन फॉर्मूले के सहायता से हम जो है आयत से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे कि किस टाइप का सवाल आपको आयत में आता है और उसे कैसे सॉल्व करना। तो अब जो है हम क्लास में सवाल के साथ आते हैं और सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपके पास सवाल है, एक आयताकार प्लेट, एक आयताकार प्लेट की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। एक आयताकार प्लेट की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। एक आयताकार प्लेट है जिसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 सॉरी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल और परिमाप हमें क्या चाहिए, इसका एरिया एंड परिमाप, परिमाप दोनों चीज चाहिए। तो देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर, आप क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया जो हमें चाहिए इसका ए बी सी डी का आयताकार क्षेत्र का, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना क्या, चौड़ाई। तो इस आयताकार प्लेट की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, हम क्या लिखेंगे, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब माप, देखिए परिमाप एकदम आसान सा वर्ड, परिमाप परि अर्थात चारों तरफ, परितः का प्रयोग करते हैं संस्कृत वर्ड, परितः अर्थात परितः मतलब क्या हो गया, चारों तरफ जो चीज हमारे चारों तरफ, और माप मतलब क्या, मापना, चारों तरफ के माप को हमें क्या करना है, मापना है। तो चारों तरफ का माप परिमाप बराबर आपने एक फॉर्मूला तैयार किया था, 2 × L + V, 2 L के स्थान पे आपका 8 हो जाएगा और B के स्थान पे आपका 6 हो जाएगा, 8 × 6 = 14, 14 × 2 = 28 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप हो गया वह क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो नए सवाल के क्षेत्र में आते हैं, एक नया सवाल अब हम आप लोगों के बीच रखते हैं। नया सवाल जो है वह यह है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 में है। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 में है तथा इसका परिमाप, तथा इसका परिमाप 60 मीटर है, तथा इसका परिमाप 60 मीटर है, तो बताएं कि इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सवाल क्या था, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, देखिए एक आयताकार मैदान है, इसका ये लंबाई है और ये इसका चौड़ाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 में है तथा इसका परिमाप, परिमाप चारों तरफ की माप जो है वह 60 मीटर है, तो बताएं कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सवाल को पहले समझ लिए, हमने एक फिगर ड्रॉ किया,
ए बी सी डी एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई एल है तथा चौड़ाई डी है। अब इस आयताकार मैदान का परिमाप हम निकालेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस डी। तो परिमाप आपको 60 मीटर दिया हुआ है, परिमाप की जगह पे आप 60 लिख दीजिए टू। अब देखिए लंबाई ये आपका 3 है, चौड़ाई 2 है, तो हम एल बराबर 3x और बी बराबर 2x रख सकते। एल की जगह पे हम किसका इस्तेमाल किए 3x, अर्थात रेशियो में है। किसका तात्पर्य है कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों का गुणनखंड है, तो L के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे 3x का और B की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे 2x का। 60 इक्वल टू 2, 3x प्लस 2x 3 दो 5x हो गया। अब कटता है तो कटा दीजिए, 2 से पहले इसको कटाइए 30 टाइम्स और फिर 5 से कटाइए 6 टाइम्स, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका 6। x बराबर क्या आ गया 6। तो अब यहाँ जो लंबाई था आपका वह क्या हो गया 3 × 6 = 18 मीटर और चौड़ाई जो था 2 × 6 = 12 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई जब हमें इस आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई निकल गई तो अब हम इस आयताकार मैदान का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए और लंबाई चौड़ाई हमने निकाला है, अभी निकाला है लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। तो इसका क्या हो गया लंबाई की जगह पे हम 18 का प्रयोग करेंगे और चौड़ाई की जगह पे हम 12 का प्रयोग करेंगे। अब दोनों को आपस में क्या करना है गुना कर देना है, 18 गुने क्या 12 कितने हो जाएंगे 216। तो 216 मीटर स्क्वायर इस आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 216 मीटर स्क्वायर है। इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 216 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इस तरह से आयत से रिलेटेड सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आगे भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो बताएं कि इस आयताकार खेत को विकर्ण की लंबाई क्या हो। अब हमें जो सवाल है वह क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर। सबसे पहले ए बी सी डी एक आयताकार हमने खेत बनाया, इस खेत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर, और हमें पूछा क्या गया है इस आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये जो विकर्ण है AC की लंबाई क्या होगी, तो AC अर्थात विकर्ण की लंबाई बराबर हम क्या जानते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ क्या आधार स्क्वायर, आपका लंब 12 आधार 8 हो गया है। तो चलिए सॉल्व करिए, एल का वैल्यू 12 रखिए और बी का वैल्यू 8 रखिए, 12 की स्क्वायर 144 होता है और 8 का स्क्वायर 64 है। दोनों का हमें योग कर देना है 144 और 64 का, 4 4 8, 6 4 10 और 1 1 2, तो 208 मीटर रूट अंडर 208 मीटर स्क्वायर। अब 208 जो आया अगर हम चाहें इसका गुणनखंड निकाल के रूट में दे सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आया, तो 208 का गुणनखंड विधि के द्वारा देख लेंगे कि इसका कितना आता है।
अगर चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं, 208 लिख दीजिए। गुणनखंड विधि से पहले 2 से भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगेगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या 13। अब इस जो जोड़े में उसे बाहर निकाल लीजिए, तो 2 गुने 2 2 दुनी 4 रूट 13 मीटर। इस आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 4 रूट 13 मीटर आए, 4 रूट 13 मीटर आएगा। तो चलिए इससे आगे के सवाल को हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। देखिए एक आयताकार कमरा है, ये आयताकार कमरा है, ए बी सी डी। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल जो है वह एरिया 220 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 220 वर्ग मीटर है। इस कमरे की चौड़ाई 11 मीटर है, इस कमरे की चौड़ाई 11 मीटर है। ये बी से लेके सी तक जो दिया है, बी बराबर 11 मीटर है, तो बताएं कि इस कमरे का परिमाप क्या होगा। तो बताएं कि इस कमरे का परिमाप पी इक्वल टू वाई, तो बताएं कि इस कमरे का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है कमरे का क्षेत्रफल, और कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया है 220 मीटर स्क्वायर। इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल जो है 220 मीटर स्क्वायर है, जिसकी चौड़ाई आपको 11 मीटर दिया हुआ है और परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप का फॉर्मूला जानते होंगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + P, अर्थात जब तक हमें कमरे की लंबाई के बारे में जानकारी प्राप्त ना हो तब तक हम कमरे का परिमाप नहीं निकाल सकते। तो हमें कमरे के परिमाप को निकालने से पहले कमरे की लंबाई की जानकारी चाहिए, और कमरे की लंबाई की जानकारी हमें किसकी सहायता से मिलेगी, इसकी क्षेत्रफल की सहायता से। तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 220, लंबाई मेरे पास है नहीं, चौड़ाई 11 है, 11 × 22, तो कमरे की लंबाई जो है वह क्या है 20 मीटर निकल गया। अब परिमाप के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, परिमाप बराबर 2 × L + D, तो कमरे का परिमाप जो है वह किसके बराबर हो गया 2 × L + D के बराबर। तो वैल्यू पुट करना है, 2 L के स्थान पे आपने अभी 20 निकाला है और चौड़ाई B के स्थान पे अभी आपको 11 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 20 और 11 का योग 31 होता है, तो 2 × 31 बराबर 31 × 62 मीटर। इस आयताकार कमरे का जो परिमाप है वह 62 मीटर के बराबर है। इस आयताकार कमरे का जो परिमाप है वह किसके बराबर हो गया 62 मीटर के बराबर हो गया। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, एक आयताकार कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई का 2 गुना है। एक आयताकार कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई का 2 गुना है। यदि इस कमरे का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है तो बताएं कि परिमाप क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना था 2b है, और इस कमरे का क्षेत्रफल जो है वह 128 वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर है। तो बताएं कि इस कमरे का परिमाप क्या होगा, तो बताएं कि इस कमरे का परिमाप क्या होगा। हमें क्या चाहिए, इस कमरे का परिमाप चाहिए।
तो पहले हमें क्षेत्रफल क्या दिया है, 128 वर्ग मीटर। हम लिखते हैं एरिया बराबर 128, और एरिया का स्थान पर आप क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 128। लंबाई के स्थान पर हम 2b का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2b इंटू बी बराबर 128, दो से कटा दीजिए, 64 टाइम्स बी स्क्वायर बराबर 64, इसलिए b बराबर रूट अंडर 64 अर्थात 8 मीटर। तो कमरे की चौड़ाई जो हमने निकाला, कमरे की चौड़ाई बराबर निकल गया कितना, 8 मीटर, और लंबाई क्या है, चौड़ाई का दो गुना, तो लंबाई कितना हो गया 8 गुने 2 बराबर 16 मीटर। और हमें अब क्या चाहिए, कमरे का परिमाप। तो कमरे का परिमाप बराबर हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जोर चौड़ाई। तो 2 लंबाई अभी आपने निकाला है 16 मीटर और चौड़ाई निकाला है कितना 8 मीटर। तो 16 और 8 का योग कितना होता है, 16 8 24, तो 2 गुने क्या 24, 24 दुनी 48 मीटर। इस कमरे का जो परिमाप निकला हुआ कितना निकल गया, 48 मीटर। तो आज के क्लास में हमने बेसिक सवाल जो है एरिया से रिलेटेड उन सवालों को देखा, तथा इसके अलावे हम आप लोगों के बीच जो सवाल लेकर आए थे वह सवाल आपका क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्मूला था जो एरिया से रिलेटेड था। अब इसका एरिया का दूसरा क्लास, कहने का एरिया का नहीं, हम कह सकते हैं आयत का दूसरा क्लास पुनः लेकर हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और फिर एक नए वीडियो के साथ हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी जोश के साथ आप लोग लगे रहें। और क्षेत्रफल जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा हो, अगर छूट रहा होगा कभी किसी एग्जाम में, चाहे बैंक का हो, SSC का, रेलवे का हो, अब अगर क्षेत्रफल आप पूर्णतः पूरे क्लास को एक एक वीडियो को ध्यान से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा है आपका जो है कभी एग्जाम में क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल आपका नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।